रतन, क्या हुआ भैया? ये क्या तीरवी चलाना सिखा रहा है इसे? हम समझाएंगे इसको भैया। जल्दी से ब्याह कर इसका, अगली बार छोड़ेंगे नहीं तेरी तीरंदाज को, समझे? पापा, आप सपना देखते हो का? देखता हूँ, और उसे मेरी बिटिया सच करेगी। ए तीरंदाज, तू इसका सर फोड़ सकती है क्या? बहुत घूरता है ये। ले, अब नहीं घूरेगा। तीरंदाज, निशानेबाजी के लिए यही मिला था क्या? अब इसका फैसला पंचायत में होगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो? लड़की को बोलो अपने ससुराल में तीर चलाएगी, मेरे खेत में नहीं। ब्याह का उम्र हो गया है तुम्हारी लड़की का, कुछ पैसे दहेज के लिए भी जुटाओगे या उसकी तीरंदाजी पर ही सब उड़ा दोगे? तो हमारा फैसला है कि हेमा की 3 महीने में ब्याह, और तुम्हें 100 दंड बैठक लोगों का नुकसान भरपाई करने के लिए। हुनर कभी हारता नहीं, और तू तो हमारी बहादुर बिटिया हो। पापा, आपसे तू तीर अंदाजी सीखेगी। सच्ची? मुच्ची। दहेज में जूता दोगे बेटी को? यही जूता देके विदा करना इसे इसकी ससुराल। यही जूता अगर हमरे ऊपर ना पड़े तो देख लेना। अरे सनक गए हो का? बाप की कोई जिम्मेदारी होती भी है या नहीं? वो देखो धनपुरिया को, शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। अरे भाग्यवान, हमारी बेटी अभी 18 साल की नहीं हुई है। तो क्या हुआ? हमारी जब शादी हुई थी तो हम कितने साल के थे? पूरे गांव के सामने बेइज्जत हो गए, फिर भी अकल ना आई आपको? आज से आपकी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है।
रतन, कहाँ है रतन? क्या हुआ मुखिया जी, फिर से कोनो गलती होगा का? ये देख, ये देख, ये देख। नहीं मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसे हमारी माँ बिटिया ने अपने गांव, देश का नाम रोशन कर दिया। वाह, बारे बेटी है मां।